नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन, विवादित कृषि बिल के मुद्दे पर अकाली दल एनडीए से अलग हो गया है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि एनडीए के साथ रहना अब संभव नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार किसान विरोधी है। साथ ही सुखबीर बादल ने कहा कि हम केंद्र सरकार का हिस्सा थे, इसके बावजूद हमसे कृषि बिल पर राय नहीं ली गई। बिल के विरोध में अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। तो अब अकाली दल अलग हो गया है एनडीए से। लगातार जो कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें एनडीए में बीजेपी की सहयोगी रही अकाली दल भी अब एनडीए से अलग हो गई है। किसानों के मुद्दे को लेकर ये बड़ा फैसला अकाली दल ने लिया है और साथ सीधा सीधा जो बीजेपी है उसको यहाँ पर किसान विरोधी यहाँ पर बता दिया गया है। और इससे पहले जो एनडीए में केंद्र सरकार में मंत्री थी अकाली दल की हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अकाली दल का समर्थन एनडीए को बना हुआ था। अब वो भी फैसला ले लिया गया है कि एनडीए से अकाली दल अब अलग होगा। पिछले कई दिनों चो मैं लगातार पंजाब दे विच अपने वर्कर साहबान नाल मीटिंग कीती, साडी लीडरशिप नाल गल कीती, ते अज श्रोमणी अकाली दल दी सारी लीडरशिप बैठ के फैसला किया कि जेड़ी सरकार सेंटर दी सरकार, जेड़ी एनडीए दी सरकार, जिसने आ जेड़े तिने ऑर्डिनेंस लियांदे है जेड़े अपने पंजाब विरोधी है, सही बने ते देश दे किसानां दे विरोधी है, असी उस पार्टी दे उस एनडीए दा हिस्सा नहीं हो सकते। श्रोमणी अकाली दल उस सरकार दा हिस्सा पर सानू नहीं पुछया गया। श्रोमणी अकाली दल क्योंकि पंजाब पूरे देश दी खेती दा सेंटर है, दिल है, घट तो घट श्रोमणी अकाली दल नूं पुछना चाहिए चाहिदा सी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक एक वर्कर एक एक लीडर खेती बारे सारा कुछ जानते हैं की कमियां की खुशियां की हो सकता है। ए जी पार्टी जिन्हें सारा जीवन ही खेती खेत किसानों में लाया, उस पार्टी भी नूं पुछया गया। और सब बात करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, दशकों पुराना गठबंधन था, अब किसान का जो प्रदर्शन है उसके चलते यहाँ पर तोड़ दिया है अकाली दल ने, एनडीए से अलग हो गया। किसान बिलों को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक हुई, उसके बाद अकाली दल के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे, इसीलिए पहले हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया। और जब उन्हें लगा कि एनडीए में जुड़े रहने से भी नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को ये मौका मिलता है कहने के लिए कि अकाली दल तो एनडीए में बनी हुई है, तो इसलिए अब उन्होंने एनडीए भी छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है सुखबीर बादल ने कि इस फैसले से पहले तमाम पार्टी के नेताओं से चर्चा की गई, किसानों से चर्चा की गई, पंजाब की जनता से बात की गई और सबकी राय लेने के बाद ये फैसला किया गया है। दूसरा उनका विरोध का मुद्दा ये भी है कि जम्मू कश्मीर की जो 5 आधिकारिक भाषाओं का बिल पास हुआ है संसद में, जो कि उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी है, उसमें पंजाबी को शामिल क्यों नहीं किया गया है, इस बात को लेकर के लगातार वो अकाली दल विरोध कर रहा था। और ये भी एक मुद्दा बना है पंजाबी भाषा के सम्मान का। उनका यह कहना है कि बीजेपी किसान विरोधी है, पंजाब विरोधी है, और इसीलिए ये फैसला किया गया है कि एनडीए से अलग हुआ जाए। शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो अब अकाली दल ने एक बड़ा फैसला लिया है, यहाँ पर एनडीए से खुद को अलग कर लिया है। कृषि बिल को लेकर ये लगातार विरोध है जिसमें अकाली दल भी लगातार विरोध कर रहा था। और किसानों के इस प्रदर्शन को लगातार कवर कर रहे हैं हमारे सहयोगी। आप ये एनडीए से अलग होने का फैसला लिया है यहाँ पर अकाली दल ने, तो इस पर और जानकारी के लिए गजाली के पास भी चलते हैं। गजाली, बताइए क्या जानकारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भाजपा और अकाली दल का गठबंधन पंजाब में टूट चुका है। अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर बादल ने कोर कमेटी की मीटिंग करके देर रात ये अनाउंस किया है कि वो अकाली दल भाजपा के साथ अब गठबंधन में नहीं रहेगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, जो अकाली दल की सांसद हैं, उन्होंने कैबिनेट से रिज़ाइन दिया था। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अकाली दल पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर भी रहा है। पार्लियामेंट में भी दोनों सदनों में अकाली दल के जो सांसद हैं वो इसके खिलाफ थे। अटकलें लगाई जा रही थीं कि पार्टी कब न कब बीजेपी का साथ छोड़ेगी, और आज एक कोर कमेटी की लंबी मीटिंग के बाद देर रात जो है सुखबीर बादल ने ये फैसला किया। उन्होंने ये अनाउंस किया, ये घोषणा की है कि वो भाजपा के साथ इस गठबंधन में अब नहीं रहेंगे। दशकों पुराना ये गठबंधन था। 1960 के दशक में जो है अकाली दल और जनसंघ साथ में आई थी, तो 5 दशकों
पुराना जो ये गठबंधन है वो अब टूट चुका है। अब ये देखना ये होगा कि अकाली दल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की तरफ से था, जो इस कृषि कानून के खिलाफ पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अकाली दल ने पहले कैबिनेट के पद से हरसिमरत कौर बादल का रेजिग्नेशन करवाया, आज गठबंधन छोड़ दिया और कहीं ना कहीं इस पूरे इशू पे किसानों की हितैषी अपने आप को दिखा रही है पार्टी, किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले चुनाव जो 2022 की विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी को इस निर्णय का कितना फायदा होता है, क्योंकि अर्बन वोट बैंक के लिए पार्टी की गठबंधन बीजेपी से थी। बीजेपी पंजाब में जो है अर्बन वोट बैंक पे निर्भर करती है और रूरल वोट बैंक का जो सपोर्ट है वो अकाली दल को होता है। इस कृषि कानून की वजह से सियासत पंजाब में गरमाई हुई है, सारी ही पार्टियां किसानों के साथ खड़ी हुई दिख रही हैं, सारी ही पार्टियां किसानों के जो कृषि कानून के विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं खुद भी उसमें जा रही हैं, लेकिन किसानों ने भी ये साफ कह दिया है कि वो किसी भी पार्टी का ना समर्थन लेंगे ना उन किसी पार्टियों को अपने स्टेज पे आने देंगे। फिलहाल अकाली दल की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, हालांकि अभी तक भाजपा की तरफ से इसका कोई रिएक्शन नहीं आया है पंजाब भाजपा की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं अकाली दल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था पंजाब में, क्योंकि किसान सिर्फ यूनियन कैबिनेट के इस्तीफे से संतुष्ट नहीं थे। वो अक्सर ये सवाल कर रहे थे, ये सवाल बार बार पार्टी के बारे में खड़ा किया जा रहा था कि अगर आप कृषि कानून के विरोध में हैं तो आप पंजाब में भाजपा से अलायंस क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। इसकी का जवाब दिया है आज सुखबीर बादल ने, उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट से जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को अलग रखा गया। इसके विरोध में भी उन्होंने संसद में बात की थी, लेकिन इन दोनों मुद्दों पर किसान जो कृषि कानून है और जम्मू कश्मीर में जो ऑफिशियल लैंग्वेज का इशू है, दोनों ही इशू को कोट करते हुए आज सुखबीर बादल ने अनाउंस किया है कि भाजपा के साथ अब उनका गठबंधन नहीं रहेगा। अब देखना यह होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है या अकाली दल अपने आप को रीग्रुप करके इसी इश्यूज पर कुछ फायदा पा सकती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो गजाली जानकारी दे रहे थे कि दशकों पुराना ये गठबंधन था जो कि अब इस किसान का जो गुस्सा है उसको देखते हुए टूट गया है, अकाली दल ने खुद को अलग कर लिया है एनडीए से। और आपको बताएं कि पंजाब के किसान केंद्र सरकार से पारित किए गए कृषि विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अपनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। अमृतसर में हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने इसका रियलिटी चेक किया तो पता चला कि उनकी चिंताओं की वजह कितनी वाजिब है, क्योंकि अपने धान की फसल बेचने वाले किसान से पता चला कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे, कई जगहों पर रेलवे पटरियों पर धरना दिया। अब मंगलवार तक इनके प्रदर्शन जारी रहेंगे। इनकी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक ये है कि प्राइवेट खरीदार इनकी फसल के दाम तय करेंगे। फिर भी अमृतसर में जंदियाला शहर की अनाज मंडी में किसान अपनी धान की फसल निजी खरीदारों को बेचने आ रहे हैं। सरकारी खरीद आमतौर से अगले महीने से शुरू होती है, हर साल ये 1 अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन इस बार सरकार ने इसकी तारीख आगे बढ़ाकर 26 सितंबर कर दी है ताकि किसानों को कुछ दिलासा मिले। राज्य सरकार का कहना है कि कोविड की वजह से किसानों ने इस बार धान वक्त से पहले बोया था, इसीलिए मंडी में भी जल्दी आ रहा है। अवतार सिंह ने 4 एकड़ जमीन पर धान की खेती की, उन्हें उम्मीद थी कि सरकार खरीदेगी, लेकिन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निजी चावल मिल वालों को बेचने पर मजबूर है। अज 1600 रुपये जी परमल बेची आ, जिदा रेट हैगा वा 1888 रुपये, तो कोई सरकारी खरीद वाला नहीं आया, अजे कहिंदे पहली नू आना, दो नू आना, पता नहीं आना कि नहीं आना। इन्नी लेट सरकारी खरीद शुरू होण डई आ, किसान की करनगे, मतलब जिन्ने चिर नू उन्होंने आना दाने खत्म हो जाने। आम किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल है और ए ग्रेड का 1888 रुपये प्रति क्विंटल। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों से फौरन धान खरीदने को कहा है, लेकिन सुखराज सिंह जैसे किसान निजी खरीदारों को 1600 रुपये प्रति क्विंटल तक बेचने को मजबूर हैं। 1 तारीख तक हम वेट नहीं कर सकते, ये हमारी जो जीरी है खराब हो जाएगी, ये नहीं बढ़ने वाली रहेगी, और ये मान लो डिस्पोज करो भी 8 दिन अभी रोक भी जाते, रोक के बढ़ देंगे तो ये हड्डी सब्जी नहीं की लगेगी, तीसरी फसल नहीं की लगेगी, तीसरी फसल तो ही रह जाएंगे, जो ठेके वाली जमीन है उन्होंने बहुत ज़्यादा घाटा पाऊगा।
जो कमीशन एजेंट निजी खरीदारों और किसानों के बीच की कड़ी है, वो कहते हैं कि निजी खरीदार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर तो जाने दीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं देते। प्राइवेट मिल वाले हैं वो अपना रेट लगाते हैं कि ये हमारा रेट है, अगर किसान ने बेचना है तो बेचे, अगर नहीं बेचना वेट करनी चाहता कोई जिम्मेदार, इसको ढेरियों खिलारे सुखाए जैसे मर्जी इसको लगाओ, आप हफ्ता वेट करो तो फिर बेचो, तो इसलिए किसान बेच देता है जिसको जरूरत है बेच देता है वो, गवर्नमेंट से ऊपर कोई प्राइवेट बंदा भाव लगा नहीं सकता कभी कोई भी। हालांकि नए कृषि कानून या बिल के लिए अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी हैं, लेकिन एक जमीनी स्थिति अमृतसर के इस ग्रेन मार्केट में हम देख सकते हैं कि किसानों को अभी भी जो प्राइवेट बायर्स हैं उनको अपना चावल बेचने पे एमएसपी से कम दाम ही मिल रहा है, और यही सवाल किसान आज भी पूछ रहे हैं कि जब जमीनी हकीकत ये है तो सरकार ऐसा कानून ही क्यों ला रही है जिससे प्राइवेट जो बायर्स हैं या जो खरीदार हैं वो और ज्यादा ताकतवर होंगे। अमृतसर से अश्विनी के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और बीजेपी संगठन में भी बड़े फेरबदल किए गए हैं। राम माधव, मुरलीधर राव, अनिल जैन, सरोज पांडे महासचिव पद से हटा दिए गए हैं और राधा मोहन सिंह, मुकुल राय, रेखा वर्मा, अन्नपूर्णा देवी, भारती बेन, श्याल, डीके अरुणा, एम चुबा और अब्दुल्ला कुट्टी नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दुष्यंत कुमार, गौतम और डी पूरेदेश्वरी और सीटी रवि और तरुण चुग नए महासचिव होंगे। बीजेपी के 23 प्रवक्ता बनाए गए हैं और नए प्रवक्ताओं में राजीव चंद्रशेखर, संजू वर्मा, इकबाल सिंह लालपुरा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अपराजिता सारगी, हिना गवित, गुरुप्रकाश, एम किकोन, नुपुर शर्मा, राजू बिष्ट और के शर्मा शामिल है। और इन बदलावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि नई टीम को बधाई और शुभकामनाएं, मुझे भरोसा है कि सभी लोग निस्वार्थ और पूरी प्रतिबद्धता से भारत की जनता की सेवा करने की पार्टी की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि सभी लोग गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए काम करेंगे। बीजेपी संगठन में फेरबदल का विरोध भी शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने नाराजगी भरे ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने 40 साल तक योद्धा की तरह पार्टी की सेवा की और सिर्फ टीएमसी के लोगों को शामिल करने के लिए मुझे पार्टी पद छोड़ने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र पर भारत के लोगों का अटूट भरोसा है, लेकिन व्यवस्था में बदलाव हालात की मांग है। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर भारत को कब तक इंतजार करना पड़ेगा। आज भारतवासी संयुक्त राष्ट्र में अपने योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में व्यापक भूमिका भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र का स्वरूप नहीं बदलेगा तो ताकत कम हो जाएगी। अध्यक्ष, भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं, जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा।
सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी ड्रग्स की जांच में जुटी एनसीबी ने शनिवार को दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ की। व्हाट्सएप चैट मामले में गिरफ्तार लोगों के बयान के बाद इन तीनों से पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया था और आज पूछताछ की गई। शनिवार सुबह अभिनेत्री दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची। व्हाट्सएप में ड्रग्स से जुड़े चैट में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। दीपिका के साथ ही एनसीबी के अधिकारियों ने उनके मैनेजर करिश्मा प्रकाश से लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की। एनसीबी के एसआईटी ने दीपिका पादुकोण से तकरीबन 6 घंटे पूछताछ की। इस दौरान उनकी टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी इस गेस्ट हाउस में बुलाकर बैठा कर रखा गया था। पहले दौर में दीपिका से अकेले में पूछताछ की गई, फिर दोनों को आमने सामने किया गया। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो दीपिका पादुकोण को फिर से बुलाया जा सकता है। तो वहीं एनसीबी दफ्तर में अभिनेत्री सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ की गई। इस मामले में सारा अली खान से 4:30 और श्रद्धा कपूर से 6 घंटों तक पूछताछ की गई। दोनों अभिनेत्रियों ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया है और इस मामले में गिरफ्तार लोगों के बयानों में इनका नाम सामने आने के बाद इनसे पूछताछ की गई। इस मामले में एनसीबी ने क्षितिज रवि प्रसाद को गिरफ्तार किया है। क्षितिज को फिल्म मेकर करण जौहर का करीबी कहा गया, तो करण जौहर ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि क्षितिज ने कुछ दिनों तक उनकी कंपनी में काम जरूर किया, लेकिन न तो वो उनको जानते हैं और न ही वो फिलहाल धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हैं। पहले गिरफ्तार हुए लोगों के बयानों से निकले नामों के आधार पर ही इतने लोगों से एनसीबी ने पूछताछ की है। अब ये देखना होगा कि क्या हिंदी फिल्म उद्योग से जुड़े और लोगों को भी तलब किया जाएगा या नहीं। मुंबई से सुनील सिंह के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हैवानियत की इंतहा का मामला सामने आया है। अनुसूचित जाति की लड़की के साथ अगड़ी जाति के 4 दबंगों ने गैंगरेप किया। पीड़ित को जमकर पीटा गया। परिवार का आरोप है कि उसके गले में दुपट्टा बांधकर उसे 20 फीट तक घसीटा गया। पीड़ित को कई फ्रैक्चर हुए हैं और उसकी जुबान कट गई है। आगरा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है और मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वो घास खोद रहे थे, दोनों साइड बाजरे के खेत थे, बाजरा खड़ा हुआ था, बीच मेड़ पे ले रहे थे घास। तो मम्मी थोड़ी सी दूर लग रही थी, बहन पीछे थी थोड़ी, तो मम्मी काटने लगी, बहन इकट्ठा करने लगी घास को। तो बहन इकट्ठा कर रही तो पीछे से आके ये 4-5 लोग 5-6 लोग थे ये, तो आके पीछे से दुपट्टा था बहन का ऐसे लपेटे हुए था, तो वो उन्होंने पीछे से आके ऐसे दबा के और बाजरे के अंदर खींच ले गए वो लोग। बाजरा में बेहोशी की हालत में पाई गई और जो भी थे वो लड़के वो सारे फरार हो गए वहाँ से, और उन्होंने रेप भी करा था। 14/9 को एक एससी कम्युनिटी की एक युवती पर जानलेवा हमले के मामले में उसके भाई के द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी। इस अभियोग में जिस नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई थी, बाद में युवती के पीड़िता के बयान के आधार पर इसमें 3 अन्य अभियुक्तों की का नाम प्रकाश में लाया गया। उन तीनों अभियुक्तों की भी अब गिरफ्तारी पूर्ण कर ली गई है। जी, सबसे पहले तो मैं इस महिला की कंडीशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, वहाँ का जो मेन ICU है, जो मेन इंटेंसिव केयर यूनिट है, वहाँ पर भर्ती हैं, और वहाँ के डॉक्टर्स से हमारे संवाददाता अदनान ने बात की है और डॉक्टर्स का कहना है कि वो काफ़ी क्रिटिकल हैं और उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं उनकी बॉडी में और उनकी जीभ भी कटी हुई है, तो इसकी वजह से वो काफ़ी सीरियस है। कुछ देर पहले डॉक्टर्स ये भी सोच रहे थे कि इनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जो दिल्ली में ऑब्वियसली और स्पेशलाइज केयर के लिए, लेकिन फिलहाल वो डिसीजन टल गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि परिवार ने भी कहा है कि वो चाहते हैं कि यहीं पर उनका ट्रीटमेंट हो। 4 जो अक्यूज्ड हैं केस में, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का ये कहना है कि शुरुआत में जो केस लिखाया गया था, जो पीड़िता हैं उनके भाई के द्वारा, वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था, तो उन्होंने एक आदमी का नाम दिया था और उसको गिरफ्तार किया गया। बाद में जब महिला का बयान दर्ज कराया गया, जब वो इस हालत में आई कि वो बयान दे पाए, तब 3 और लोगों का नाम उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि उनके साथ बलात्कार भी हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने जो गैंग रेप की धारा है वो जोड़ी और 4 लोगों को अरेस्ट किया है, और आज जो 4th आदमी है उसको आज गिरफ्तार किया गया है और इन 4 को जेल भेजा गया है। कोर्ट में फास्ट ट्रैक के
केस को फास्ट ट्रैक करने की अर्जी डाली जाएगी। और ये सब बातें पुलिस के द्वारा कही गई है, लेकिन आपने भाई की भी शायद साउंड बाइट सुनी होगी। उनका ये कहना है कि शुरू में पुलिस ने मदद नहीं की या केस पे ध्यान नहीं दिया, और जब 4-5 दिन बाद थोड़ा हल्ला हुआ केस को तब उस पर ध्यान दिया गया। तो शायद ये एक्यूजेशन हैं जो पुलिस को एक बार देखने पड़ेंगे, और उनके जो जमीनी स्तर पे थाने लेवल के अधिकारी हैं उनसे भी ये बात करनी चाहिए कि इस तरह क्यों किया गया, जबकि ये इतना हीनस क्राइम है। पिछले कुछ दिनों हमने काफ़ी ऐसे क्राइम्स रिपोर्ट किए हैं, खासकर लखीमपुर खेरी से, जो एक और ज़िला है यूपी में, वहाँ पे काफ़ी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हुए हैं। लेकिन सरकार ये कहती है आंकड़े दिखाकर कि इस साल जो मंथ ऑन मंथ क्राइम है, हीनस क्राइम है, जैसे रेप और मर्डर, उसमें काफ़ी कमी आई है। अब देखने वाली बात यह है कि आंकड़े वर्सेस ज़मीनी हकीकत में जो ये डिफरेंस है उसको सरकार और प्रशासन कैसे रिकनसाइल कर। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद अब बिहार में चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने आने वाले 5 सालों में अपनी सरकार के एजेंडे को पत्रकारों से साझा किया। उन्होंने कहा कि जो काम वो करते आ रहे हैं उन्हें आगे भी जारी रखेंगे। चिराग पासवान पर पूछे गए सवाल पर नीतीश ने कहा कि मैं किसी के कुछ कहने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूं, जिसको जो कहना है कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि बिहार में 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक 3 चरणों में वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। असम में 12वीं क्लास के सिलेबस से जवाहरलाल नेहरू की नीतियां, अयोध्या विवाद और गुजरात दंगों का चैप्टर हटाए जाने पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। कोरोना की वजह से छात्रों का बोझ कम करने के लिए सिलेबस से इन चैप्टरों को हटाने का फैसला किया गया है।